नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं रुद्रा न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग की नाईवाला मार्केट में, जहां डेली स्कूटर ट्रेडर एसोसिएशन के चुनाव काफ़ी नज़दीक है, जिसके चलते सियासी सरगर्मियां भी चरम पर है और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो व्यापारियों के बीच में जाकर अपनी बातें रख रहे हैं और लोगों से वोट बटोरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोगों का इन प्रत्याशियों को किस तरीके से समर्थन मिल रहा है और किस तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा है, तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। सिटी है और 21 नंबर मेरी शॉप है, जहाँ आप आए हुए हो। कुछ दिन पहले आप भी गली में आए थे, मैंने देखा नहीं था, लेकिन आपके यूट्यूब में मैंने देखा था। मेरे गणपति पूजा हुई थी और हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा। आप क्या पूछना चाहते हैं, किस बारे में क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अच्छा, आप सतपाल गिरधर जो टीम है उसको इलेक्शंस में किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं? सर, सतपाल गिरधर एक टीम है, दूसरी टीम भी है दीपक सचदेवा टीम। दोनों टीमें हैं, दोनों टीमों में बहुत ही अच्छा वोट काटे का मुकाबला चल रहा है। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं आपको, कौन स्ट्रांग लग रहा है जो आपकी समस्याओं को हल कर सकता है? फिलहाल दो स्ट्रांग तो दोनों ही लग रहे हैं। समस्या का हल तो दीपक जी ने भी किया है और दीपक जी के टर्नओवर में सतपाल जी भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। किसी को गलत कहना है, किसी को अच्छा कहना, ये चुनाव के माहौल में अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल दीपक सचदेवा जी की टीम बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है। और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो व्यापार के अंदर आपको कहीं ना कहीं तंग करती है और आप चाहते हैं उनका समस्या का समाधान? सबसे ज़्यादा पार्किंग की समस्या है, दूसरा रोड चौड़े करना है और पार्किंग और रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। और GST जो 28% है उसको 18% करना है। और जितनी भी कार्यकर्णी जो भी आएगी, चाहे सतपाल जी आए चाहे दीपक जी आए, मेरी पूरी उम्मीद है इसमें वो खड़े उतरेंगे। 7 बजे की न्यूज़ डेली चल रही है 3 साल से, और मैं भी जानता हूँ कि रिपोर्टिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। आप कर रहे हो, आपको मैं थैंक्स कहूँगा, आप नाईवाला में आए हो, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। नमस्कार सर, बेटर तो यही है सर, जो पब्लिक के बारे में, जो हम दुकानदार भाइयों के लिए जो अच्छे से अच्छा सुझाव, नए नए सुझाव लेके आए, और जैसे हमारे 21 नंबर की कुछ बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो कि कोई सुन के राज़ी नहीं है, जबकि हम लोगों ने MCD में और कॉरपोरेशन में हर तरह से हम लोगों ने करके देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस बार उम्मीद किससे लगा रहे हैं? उम्मीद सर, जो अब एक बार पुराने वाले जो थे उन्होंने भी करके देख लिया, अब एक बार नए वालों को भी मौका देना चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए। हम तो कहे अभी इस बार पिछली बार दीपक जी हैं, तो इस बार अगर वो चाहते हैं आना तो दूसरे को मौका दीजिए, अगली बार फिर दीपक जी आ जाएंगे। ये तो है नहीं कि एक बार इलेक्शन हो गया कि दोबारा इलेक्शन नहीं होना है। तो इतना ही है सर, बेसिकली जो मार्केट के प्रॉब्लम्स को और छोटी छोटी चीज़ों को, बड़ी बड़ी बातें तो सब कर रहे हैं, बात यह है कि छोटी छोटी जो प्रॉब्लम डे टू डे वाली प्रॉब्लम्स को कौन हैंडल कर सकता है, इसलिए बस यही था। थैंक यू। भाई साहब, हलवाई अपनी मिठाई को कभी खट्टा कहता है, मैं दीपक सचदेवा ग्रुप से हूँ, तो मैं तो कहूँगा हम जीते हुए थे और जीते हुए ही हैं। मैं क्यों कहूँगा कि वो जीतेंगे? हलवाई अपनी मिठाई को कभी खट्टा नहीं कहता। दूसरा, इस समय जो मार्केट का माहौल है ना, हमारी मार्केट को इस समय जो है चुनौतियों से भरी हुई है। चुनौतियों से लड़ने वाला प्रधान चाहिए, घर बैठने वाला नहीं। दीपक सचदेवा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहे। और इसमें इलेक्शन का ये फ़ायदा होता है कि जिस बार जितनी बार भी आदमी नया आएगा उतनी बार विकास नया होगा और पूरे जोश के साथ वो काम करेगा, इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। इस बार इलेक्शन से मार्केट के अंदर किसको स्ट्रांग मान रहे हैं, किससे उम्मीदें लगा रहे हैं? हमें तो सतपाल गिरधर जी की बनने की उम्मीद है प्रधान, और ग्रुप को उम्मीद है पूरे अच्छे जीतेगा। उनमें खासियत है, वो अच्छे तजुर्बेकार आदमी हैं, पुराने व्यापारी हैं और सबके तहसी हैं, अच्छे सबके दुख सुख काम आने वाले हैं, समय पर जब भी जाते हैं काम आते हैं, इसलिए सब उनके उनका ग्रुप में सब अच्छा है। क्या लगता है, अगर गिरधर एंड टीम पूरी आती है तो व्यापारियों के मुद्दों को, समस्याओं को हल कर सकेंगे? सब हमें आश्वासन पूरा दे रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि पूरी हमारी सभी समस्याओं को हल करेंगे और जहाँ तक भी आगे आने वाली व्यापारियों की समस्या दूर करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।